मेरी सभी बच्चों को जय मसीह की। और आज बच्चों हम जो देखेंगे, अभी तक आपने यूसुफ के बारे में जाना था कि यूसुफ ने कैसे अपने सारे लोगों को वो वहां पर लेकर आ गए थे मिस्र में, और कैसे उनका वो वहां पर ध्यान रख रहे थे। अब यूसुफ के पापा भी वहां पर आ गए थे, है ना। तो अब आप देखेंगे कि यूसुफ के पापा की अब तबीयत खराब रहने लग गई थी, वो बहुत कमजोर हो गए थे और बूढ़े हो गए थे। तो अब उनकी तबीयत खराब रहने लग गई थी, तो उन्हें लग रहा था कि अब मेरी कुछ दिन ही मैं इन सब के साथ रह पाऊंगा और फिर मेरी क्या हो जाएगी, मेरे अंतिम दिन है और मृत्यु हो जाएगी। तो आज जो हम देखेंगे बच्चों, वो कहाँ से, उत्पत्ति 47 का 26 से 31 और 48 का फर्स्ट से लेके वो पूरा ही है, 48 पूरा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि याकूब जब वो बीमार रहने लगे थे, बहुत कमजोर हो गए थे, उन्हें लग रहा था मैं ज्यादा दिन इन सबके साथ नहीं रह पाऊंगा, तो अंतिम दिनों में वो फिर क्या सोचते हैं और क्या करेंगे वो, ठीक है, आज हम देखेंगे। नेक्स्ट कर दो सिस्टर प्लीज। आपने देखा था जब वहां पर सब जगह अकाल पड़ रहा था, तो यूसुफ ने सबको बदले में वो खाने की चीजें देता था, खाना पीने की चीजें। तो अब सब उनके पास सब चीजें लाते थे, जब सबके पास पैसे भी खत्म हो गए, सब सामान खत्म हो गए, तो लोग पता है उनके पास फिर क्या रखते थे, अपनी जमीन, जो उनके घर जमीन थी वो भी यूसुफ को, राजा को देने लग गए थे कि आप ये ले लो और इसके बदले में हमें क्या दे दो, क्या दे दो, खाने की चीजें दे दो, ताकि हम खाना खा सकें, रोटी बना सकें, सब्जी बना सकें और वो हम खा लें, क्योंकि वहां पे तो किसी के पास भी खाना नहीं था। तो वो सब लोग अपनी जमीन भी किसको देने लग गए थे, यूसुफ को ही पास लाने लग गए थे, उन्हें देने लग गए थे। तो फिर जब सब लोगों की मिल गई थी, बस कुछ लोगों की जमीन नहीं मिली थी। वो कौन लोग थे, वो जो लोग थे वो थे उनके उनके लिए था जो फरीसी लोग थे, उनकी जमीन नहीं मिली थी, जो यहाँ पे जो बड़े लोग थे फिर वो लोग, उनको नहीं मिली, उनकी जमीन नहीं थी यूसुफ के पास। वरना सभी लोगों की जमीन, जो याजक लोग थे उनकी भी भूमि फिरौन के पास नहीं थी। भूमि होता है जमीन होती बेटा, जो जमीन होती वो भूमि उसको बोलते हैं, तो वो उनके पास नहीं थी। और सब लोगों ने, जितने भी लोग थे सबकी राजा के पास आ गई थी, क्योंकि सब जगह किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सबको भूख लग रही थी। जब भूख लगती है तो हमारा भी मन करता है ना, बस हमें खाने के लिए कुछ भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, और हमारे पास जो भी आप ले लो, तो सब दे दे के वो ले रहे थे उनसे। नेक्स्ट कर दो सिस्टर प्लीज। और वहां पे जब जो इसराइली लोग वहां पे मिस्र में आके रहने लग गए थे, वो फूलने और फलने और बढ़ गए थे वहां पे। अभी फूलना फलना क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है फूलना और फलना, कौन बताएगा अपना माइक अनम्यूट करके। अच्छा मैं बताती हूँ, फूलना फलना मतलब प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दी, वो बहुत सारे लोग होते चले गए और उनके जो पशु भी थे वो भी बहुत बढ़ने लगे, जो उनके एनिमल्स थे वो भी बढ़ने लगे, प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष देते गए और वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। और वहां पर जब यूसुफ जो था, याकूब जो थे यूसुफ के पापा, वो वहां पर कितने साल रहे मिस्र में, जब वो वहां से आए थे तो वो उनके साथ वहां पर 17 साल तक रहे, और वो वहां पर बहुत दिन तक रहने के बाद भी फिर उन्हें लगने लगा कि अब तो मैं बहुत बीमार रहने लगा हूँ और मैं बहुत बूढ़ा भी हो गया हूँ, तो वो इस चीज को सबको सोचने लग गए। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मुझे ऐसा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, अपने उनका बेटे का क्या नाम था जो राजा बन गया था वहां पर, प्रधानमंत्री था, उस बेटे का क्या नाम था, याकूब के बेटे का, हाँ जी यूसुफ। तो उन्होंने किसको बुलाया, फिर यूसुफ को बुलाया। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए। उन्होंने यूसुफ को बुला के उनसे बात करी और उनसे फिर एक प्रॉमिस लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि यूसुफ जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, तो तुम मेरे को यहाँ पे मिस्र में मत रखना, तो मुझे यहाँ से ले जाना, मेरे देश में ही ले जाना, जहाँ पे मेरे मेरे जो मेरे मेरे लोग हैं
तो मुझे वहां पर ही ले जाकर मुझे वहां पर ही रखना। तो अब यूसुफ अपने पापा की बात को मानेगा या नहीं मानेगा? यूसुफ अपने पापा की बात, हम मानते हैं ना अपने पापा मम्मी की बात। तो यूसुफ ने भी अपने पापा की फिर बात को माना और उनसे प्रॉमिस करा कि हाँ ठीक है, मैं आपको वहीं पर ले जाऊंगा। फिर वो वहां पे प्रॉमिस कर देते हैं और याकूब जो है वो वहां पर फिर से अपने बेड पर रेस्ट करने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि यूसुफ को पता, कोई बताता है कि यूसुफ तुम्हारे पापा की बहुत तबीयत खराब है। तो यूसुफ कहता है अच्छा नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। तो कहते हैं अच्छा मेरे पापा की तबीयत खराब है। तो वो फिर अपने पापा के पास जाते हैं। अब मगर यूसुफ अकेला नहीं जाते अपने पापा के पास मिलने, अब वो किसी लेके जाते हैं, अपने दोनों बेटे को, जो उनके यूसुफ के जो दोनों बेटे थे वो उन्हें लेके जाते हैं। पहले बेटे का नाम था मनश्शे और दूसरे का एफ्रेम। दोनों बेटों को वो लेकर यूसुफ याकूब के पास जाते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तो यूसुफ उनसे फिर से याकूब को कोई बताता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आ रहा है यूसुफ। तो याकूब जो है, जैसे हम तो बेड पे कैसे भी लेट जाते हैं, ऐसे याकूब भी रेस्ट कर रहा होगा अपने बेड पे। मगर तो जब वो देख सुने पता चलता है वो आ रहे हैं, तो वो सही से अच्छे से बैठ जाते हैं कि चलो कोई मिलने आ रहा है तो मैं बैठ जाता हूँ। उन्हें पता था मेरा बेटा प्रधानमंत्री है और वो अच्छे से अपने बेटे से मिलने के लिए वो सही से होकर वहां पर बैठ जाते हैं। फिर याकूब ने उनसे, यूसुफ वहां पर आता है याकूब के पास, तो वो उन्हें बताता है कि मेरे साथ परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी थी और उन्होंने मुझसे क्या किए थे, बहुत सारे प्रॉमिस भी किए थे। हमसे भी प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं और ऐसे ही याकूब को अपने सारे प्रॉमिस याद थे जो परमेश्वर ने याकूब से किए थे। तो हमें भी अपने सारे प्रॉमिस याद रखने चाहिए जो प्रभु हमसे प्रॉमिस करते हैं, ताकि हम भी प्रार्थनाओं में उन्हें बार 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 प्रभु से कह सके कि प्रभु आपने तो ये प्रॉमिस करा था। जब मम्मी पापा हमसे कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम उन्हें बार बार बोलते हैं ना, आपने मम्मी मुझसे मम्मी प्रॉमिस करा था ना कि आप, मैं ये काम करूंगा तो आप मुझे टॉफी दोगे। तो ऐसे ही याकूब प्रभु से जब प्रार्थना करते थे तो उनसे बार बार उस बात के लिए कहते थे। वो अब यूसुफ को भी बताते हैं कि प्रभु ने मुझे आशीष दी थी कि मैं तुझे फुला फला कर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा। तो वो ही परमिशन ही किया था। और तेरे उनके बाद भी जो उनके बेटे हैं उनके लिए भी प्रभु ने याकूब से आशीष के लिए कहा था कि मैं उन्हें भी बहुत आशीष दूंगा और उन्हें भी उनकी एक जमीन दूंगा, निज भूमि पर रहने दूंगा। तब उन्हें उनसे भी आशीष बांधी थी। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर ने। अब पहला प्रॉमिस तो ये ले लिया था याकूब ने, अब एक तो दूसरा प्रॉमिस लिया याकूब ने यूसुफ से। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना तो राहेल जो मेरी पत्नी थी वो रास्ते में उसकी क्या हो गई थी, यहाँ अब नहीं आ रहे थे, पहले जब हम आ रहे थे कनान देश से तो उसके रास्ते में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हमने उसे एप्राता जो बेथलेम भी कहलाता है वहां पर उसको मार्ग में ही वहीं पर उसके लिए एक हमने कब्र बनाई थी। साइड में जो दिख रही है ना आपको, ये राहेल की कब्र थी। तो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी वहीं पर ही तुम मिट्टी दे देना, वहीं पर ही तुम मुझे ले जाना। तो कहता है उसके, अब यूसुफ की दूसरा प्रॉमिस भी क्या कहते हैं, ठीक है, वो उस बात को मान लेता है और उस प्रॉमिस के लिए भी हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब वो जो अपने दो बेटों को लेके गए थे, अब याकूब ने जब ये सारी बातें कर ली तो उन्होंने देखा यूसुफ के साथ कोई दो बच्चे भी हैं। अब वो दो बच्चे कौन थे, मनश्शे और एप्रेम। तो मनश्शे से जो था वो बड़ा बेटा था, एप्रेम जो था वो छोटा था। तो अब उन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए। तो जब उन्होंने उन्हें पास बुलाया, अब पास बुला के वो उन्हें क्या देंगे, आशीष देंगे उनके लिए, प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। जब हमारे बड़े भी हमें बुलाते हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर ये नहीं आते इनके पास तो इन्हें क्या आशीष मिलती, नहीं मिलती ना। अगर ये अपने पापा के भी साथ आए और अपने, ये इनके दादू हैं, इनके दादाजी हैं और ये इनके पास आके इनकी बात को सुन रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब पहले जो होता था, जो बड़ा बेटा था उसे ज्यादा आशीर्वाद मिलना चाहिए, मगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि याकूब के हाथ
अपोजिट साइड में जा रहे हैं बिल्कुल दोनों अलग अलग, तो अब वो जो छोटा बेटा है उसे तो बहुत सारी आशीषें मिल जाती हैं, बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। जो बड़ा बेटा है बड़े उसे थोड़ी थोड़ी सी कम मिलती है, मिलती उसे भी है दोनों को, मगर बड़े बेटे को ज्यादा, छोटे बेटे को ज्यादा आशीष मिल जाती है। तो इस बात से जो उनके पापा थे यूसुफ जो था वो थोड़ा दुखी होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं अपने पापा का हाथ सही कर देता हूँ, और वो ना बड़े बेटे को ज्यादा आशीष देंगे, छोटे को भी देंगे मगर पहले बड़े बेटे को ज्यादा मिलेगी। तो वो जब अपने पापा का हाथ ठीक करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही सही हाथ रख देता हूँ, क्योंकि शायद मेरे पापा को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि याकूब को थोड़ा थोड़ा कम दिखता था, तो उन्होंने सोचा शायद मेरे पापा को दिख नहीं रहा होगा याकूब को, तो उन्हें पता नहीं चला होगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। मगर याकूब कहता है नहीं मैं जानता हूँ, और वो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा में ही वो आशीष दी थी। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। याकूब उन्हें बताते हैं कि परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। तो वो कहते हैं कि जैसे वो मेरा चरवाहा बना रहा है, मैं जब मैं अपने जन्म से था छोटा ही था, मैं तब से प्रभु के साथ हूँ और प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा है। तो वो अपनी बात अपने बच्चों को बताते हैं, और वो ऐसे ही लगातार प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में बने रहते थे। या फिर नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। तो अभी तक हमने देखा कि उनकी कैसे तबीयत खराब हुई, उन्होंने कैसे आशीष दी, और उन्होंने कैसे बताया था। अब हम देखेंगे कि आज हमने इससे क्या सीखा था। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। जैसे याकूब ने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना और आदर दिया, क्या हम भी परमेश्वर को आदर देते हैं उसे? कितनी बार हम परमेश्वर को ऐसे आदर नहीं देते हैं जैसे हमें परमेश्वर से प्यार करना चाहिए? प्रभु तो हमसे हमेशा करते हैं और प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते, मगर हम कितनी बार हम संडे स्कूल भी मिस कर देते हैं, हम संडे स्कूल में भी नहीं आते हैं, कितनी बार हम रात को बिना प्रार्थना करे भी सो जाते हैं, क्या नहीं आज तो हम थक रहे हैं, और कितनी बार हम प्रभु की बात को भी नहीं मानते हैं ना, कि हमें पता होता है ये चीज गलत है मगर हम फिर भी वो गलत काम कर जाते हैं। मगर याकूब ऐसे नहीं करता था, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, और ऐसे ही यूसुफ भी बहुत प्यार करता था परमेश्वर से, वो प्रभु के सारे कहने मानते थे। तो हम भी प्रभु को, परमेश्वर को बहुत आदर देंगे और प्रभु यीशु से बहुत प्यार करेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। जैसे कि अब वो उन्हें पता था याकूब को कि परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया, प्रॉमिस कर रखा है, वायदा कर रखा है उनसे, और तो वो हमें, जब परमेश्वर हमसे वायदा करता है, हम सब भी नए साल में प्रतिज्ञा लेते हैं ना, जब न्यू ईयर पे हमें प्रॉमिसेस मिलते हैं हम सब भी लेते हैं, मगर हम फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, मगर हमें उन्हें भूलना नहीं है, हमें रोज रोज प्रभु के सामने जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना में बोलना है, प्रभु आपने हमसे ये कहा है ना आप हमारी ये करोगे, अगर किसी को मिला है मत डर, तो आप बार बार प्रभु से कहो प्रभु आपने मुझे बहुत डर लगता है तो आप मेरे डर को दूर करो, आपने मुझसे कहा है मत डर, ठीक है ना। जैसे कि याकूब बार बार प्रभु के सामने अपने वायदों को रखता था जो प्रभु ने उनसे प्रॉमिस किए थे। तो आज से जब हम भी प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना जब हम रात को करते हैं या सुबह करते हैं, तो उसमें अपने प्रॉमिस जो प्रभु ने हमसे किए हैं, प्रभु यीशु ने, उन प्रॉमिसेस को हम याद करके बोलेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। ऐसी जब वो याकूब उन्हें बताता है कि परमेश्वर जन्म से लेके अब तक मेरा चरवाहे के रूप में मेरे साथ रहा है, याकूब के साथ प्रभु ने बहुत सहायता करी थी, उनके जन्म से उनके साथ थे, तो ऐसे ही क्या परमेश्वर का दूत हमारे साथ है? कितने बच्चों के साथ है परमेश्वर का दूत रहता है, कितने बच्चों के साथ उन्हें लगता है कि हाँ प्रभु हमारे साथ रहता है? कौन बताएगा जल्दी से? बोलो बेटा आप लोग को क्या लगता है, आपको लगता है कि हमारे साथ है? अब हमें पता है ना मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, आपको कभी एहसास हुआ है कि गॉड भी हमारे साथ है? आप बोलो बेटा, अनंत स्तुति सृष्टि, क्या लगता है आपको? दीदी जैसे दीदी हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, ऐसे स्वर्गदूत भी माँ हमेशा हमारे हमारे साथ रहता है। गुड, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ रहते हैं, तो हम दीदी और हमारी और मेरी मदद भी करता है। क्या क्या कर
फिर से बोलिए बेटा। हमारी मदद भी करता है। हमारी मदद भी करते हैं। हाँ, तो हमें कैसे पता लगता है, जैसे हमें खाना खाने को मिल रहा है, हमें हमें स्कूल की बुक्स मिल रही है, पेंसिल मिल रही है, ये सब कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है ना, किसी के थ्रू कर रहा है, मम्मी पापा के द्वारा हमें अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है ना, तो गॉड हमारे साथ है। और कोई बोलना चाहेगा? सारा, अर्पण, एंजल, चलो कंटिन्यू कंटिन्यू मेरी सिस्टर। तो ऐसे ही प्रभु हमारे साथ रहता है और परमेश्वर का दूध हमारी सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। और जब हमने देखा कि याकूब जो है उनके बेटों को आशीर्वाद देता है, जब उन्हें ब्लेसिंग करते हैं वो, तो यूसुफ जो था वो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि बड़े बेटे को भी आशीष ज्यादा मिले। लेकिन याकूब ने क्या अपने बेटे की, यूसुफ की बात मानी? नहीं मानी, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में ही आशीर्वाद देना चाहते थे। तो कितनी बार हम भी अपने दोस्तों का कहना मान लेते हैं और गलत गलत चीजें कर देते हैं ताकि हमारा दोस्त जो है वो खुश हो जाए। और कितनी बार हम उनका कहना मान लेते हैं जबकि हमें पता होता है वो गलत चीज है, मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रभु को ही खुश करना है। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें सिखाओ कि हम आपको ही खुश करें, हम लोगों को खुश नहीं करेंगे। अपने दोस्तों की गलत बात हम नहीं मानेंगे, जो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है हम उसी बात को मानेंगे। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप लोगों को छोटी सी आयत दे रही हूँ ये याद करने के लिए, आप सब नेक्स्ट संडे ये याद करके आइएगा, ठीक है ना? याद करने वाली आयत जो है मेरे साथ बोलेंगे सब, मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। एक बार फिर बोलेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। यशायाह 46:4। प्रभु हमारे साथ, अभी अभी हम छोटे छोटे हैं ना, तो प्रभु अभी भी हमारे साथ हैं। जब हम बहुत बुड्ढे बुड्ढे छोटे बुड्ढे बुड्ढू से हो जाएंगे तब भी प्रभु हमारे साथ रहेंगे, जैसे हमारे पापा हमारे दादू दादी के साथ प्रभु रहते हैं ना, ऐसे ही प्रभु हमारे साथ भी रहेंगे। जब प्रभु हमसे प्रॉमिस करते हैं तो उन प्रॉमिसेस को प्रभु पूरा भी करते हैं। तो हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और हम भी, प्रभु तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारा करते हैं, मगर हम भी कोशिश करेंगे कि हम प्रभु को खुश करने वाले बन जाएं, प्रभु की इच्छा में बने। ठीक है, ये सब बच्चे नेक्स्ट संडे याद करके आएंगे और फिर हम आपसे सुनेंगे और अपनी तैयारी के साथ आएंगे और प्रार्थना में अपने लिए प्रार्थना लगातार सब बच्चे करेंगे। थैंक यू सिस्टर। अच्छा बच्चों, आपको आज की कहानी कैसे लगी? थम्स अप थम्स डाउन कुछ? मैंने तो ये जरूर सीखा है कि याकूब की तरह हमें भी परमेश्वर के प्रॉमिसेस को याद करना है और उनको अपने प्रेयर में क्लेम करना है। बच्चों, आप लोगों ने भी आज कुछ सीखा है ना, तो आप हम लोग अब हम सब लोग प्रेयर करेंगे कि हमने जो सीखा है ना वो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। कौन प्रेयर करेगा? स्तुति, आप प्रेयर करोगे? अच्छा, आप प्रे करो। दीदी परमेश्वर, मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, और आपने भी हमें अब तक संभाला और हमारे संडे स्कूल में भी सहायता की और हम सबको भी ठीक रखा और दीदी को भी ठीक रखा और हम सब बच्चों को भी ठीक रखा और हमारे गाने बजाने में भी सहायता करी, आगे भी हमारे गाने बजाने में भी सहायता कर है ना। ये छोटी सी प्रार्थना मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, सुनकर ध्यान कर। आमीन। आमीन।